ये न्यू वर्जन वाली उबटन जब आप लगाओगे ना, तो आपके स्किन के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो भी क्लियर होगी और आप पाओगे बेदाग, चमकती हुई और खूबसूरत स्किन, वो भी मिनटों में। और आपके जो बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखी है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, एक्ने मार्क्स बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आ रखी है, तो और भी जब आप इसे यूज़ करोगे ना, तो आपके डेड सेल्स सारे रिमूव होंगे और आपके जो फ्लैकी स्किन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसे मिनटों में दूर होने वाली और आप पाओगे बेदाग, खूबसूरत और हेल्दी स्किन, वो भी मिनटों में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिल्की और आप देख रहे हो सिल्की ब्यूटी। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी उबटन शेयर करने वाली हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं यूज़ करा होगा। सो प्लीज़ वॉच द कम्प्लीट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ब्लैक ग्राम होल लिया है, पर मैंने यहाँ पे वाइट ग्राम को लिया है, जिसे हम उड़द की दाल भी कहते हैं। एक्चुअली ये उड़द की दाल नहीं है, ये सिर्फ उड़द है, जिसे आप साबुत उड़द भी कहते हो। ये इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है ना, जब आप इसे मेरे तरीके से यूज़ करोगे आपके स्किन पे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। एक्चुअली उड़द की दाल नेचुरल ब्लीच के गुणों से भरी होती है, ये आपके स्किन टोन को फेयर बनाती है। दिस दाल इज़ ऑल्सो नोन टू बी एन एक्सेलेंट पोर क्लिनजर, इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस ऑयल। तो अगर आप ये यूज़ करते हो ना, तो आपकी इम्प्योरिटीज़ क्लीन होती। अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इसे क्लीन करोगे, तो मैंने यहाँ पर इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैशू नट्स, जिसे हम काजू भी कहते हैं। काजू में पोषक तत्वों से भरपूर, आप जो अपने स्किन आप देखते हो जब भी आप खाते हो, तो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि इसमें ना कॉपर, मैगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो जब आप इसे अपने फेस पे लगाओगे, तो आप समझ ही सकते हो कि जो चीज़ हम खा सकते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, हेल्दी होती है, तो वो अगर हम लगाते हैं तो ये कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ पर चार काजू को उड़द के दाल के साथ में सोक होने के लिए रख दिया है। मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे तक सोक करा था, तो आप देख सकते हो, आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते, पर ना ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, इसे जब आपने, मैंने इसे सोक करने के लिए रखा था, तो मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला था, और आपको इस रोज़ वाटर के साथ में ही आपको एक मिक्सर के ग्राइंड में इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, बहुत फाइन पेस्ट प्रिपेयर करनी है। तो आप देख सकते हो हमारी उड़द की दाल और काजू की बहुत ही अच्छी सी एक फ़ाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, जिसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आगे इसमें क्या क्या करना है और कैसे यूज़ करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब आप पहले ना इसे अच्छे से मिक्स कर लोगे। ये जो दाल है, आपने देखा होगा कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन पे टैनिंग की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी होती है। एक्चुअली मुझे तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है, मेरे स्किन पे ऐसे रैशेज, रेडनेस हो जाते हैं, मेरी स्किन बहुत जल्दी सी डार्क होती है, तो मैं तो धूप में जाने से बड़ी ज़्यादा डरती हूँ। तो मैं जब इस पैक को यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी टैनिंग इंस्टेंटली रिमूव होती है। और आपको अभी इसमें नेक्स्ट क्या मिक्स करना है, यहाँ पर मैंने प्योर सैंडलवुड पाउडर लिया है, जिसे हम चंदन पाउडर कहते हैं। चंदन पाउडर आपके उबटन में जान लाने वाली है, तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितनी चंदन पाउडर का लिया। अभी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लोगे, और मैं आपको बता दूँ कि इसे अप्लाई कैसे करना है। जब आपको कोई भी रेमेडीज़ ट्राई करते हो ना, तो सबसे पहले तो मेक श्योर आप अपने स्किन को अच्छे से क्लियर कर ले, फिर चाहे आप किसी माइल्ड फेस वॉश से करें या फिर आप बेसन से कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वाइल्ड टर्मरिक लिया है, अगर आपके पास कसूरी हल्दी ना हो तो आप उसके जगह पर किचन हल्दी भी ले सकते हो, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है। और सॉरी, आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही होगी, एक्चुअली मुझे कोल्ड कफ हो रखी है, तो थोड़ी सी मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है।
अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लोगे। जब भी आप इसे मिक्स करोगे ना गाइस, आपको 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देना। मीन्स आप 5 मिनट जब इसे रखोगे ना सोक, ये बहुत अच्छे से सोक होएगी और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। और जब आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई करोगे ना, तो मैं क्या बोलूँ, ये इतनी स्लिपरी, इतनी सिल्की स्मूथ होएगी ये उबटन। आपके स्किन पर अगर दाग धब्बे, आपको पिम्पल्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने वाली है। आप चाहो तो आप इसे फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इसे मेरे हैंड्स पे अप्लाई करके बता रही हूँ, और आप ना इसे अपने स्किन पर 10 मिनट्स के लिए रहने दोगे। सो 10 मिनट्स के बाद आप अपने स्किन को वॉश कर लोगे। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू।